Ready. क्या क्या बताऊं मैं आपको, नहीं बताना मैंने. पानी आ गया भैया एक मिनट के लिए. तो मैं आया हूँ आज कहाँ पे आपको दिखाता हूँ. मैं हूँ डलहौजी हिलटॉप स्कूल में यार. यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ. पढ़ा तो छोड़ो, सब कुछ किया है स्कूल में. मतलब पूरी लाइफ यहाँ पे गुजारी है, आधी लाइफ अब बाहर गुजार रहा हूँ. तो मैं मिलाता हूँ आपको अपने स्कूल के प्रेसिडेंट मैम से. एंड अमेजिंग मैम है, आपको फन आएगा, आपको स्कूल के बारे में बताया जाएगा एंड सब कुछ होगा इस इंटरव्यू में. आइए चलते हैं. मैम कैसे हो? चलते हो मैम, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया मैम, आप बताओ ठीक हो सब? बिल्कुल बिल्कुल, आओ बैठो हमारे साथ. देखो आज इतना बड़ा हो गया मैम के साथ बैठ रहा हूँ. एक दिन होता था छत्तर खाता था, मुर्गा बनता था. देखो ये होता है. मुर्गा तो बहुत बने हो तुम, आओ बैठो अभी हमारे साथ. और मैम कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल के अंदर. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. मैं जब स्कूल में एंटर हुआ तो मेरे को छत्तरों की याद आ गई मेरे. तो मैं कितने खाए हैं मैंने छत्तर यहाँ पे. तो मैम आप, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप पे कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ. फिर तो आपको खुद ही बता रहा हूँ कि मैं प्राउड फील करता हूँ मैं यहाँ से पढ़ा हूँ. तो मैम हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट मैम हैं और अमेजिंग अमेजिंग पढ़ाते हैं. मैं तो चलो पढ़ा नहीं हूँ ज़्यादा. तो मैम कोशिश हमने बड़ी करी थी भैया. हाँ कोशिश मैं बहुत करता हूँ पर हर कोशिश में आपको पता मैं नाकाम हो जाता हूँ. बट मैं शैतानी बच्चा था मैम, आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हो? वैसे बच्चा इतना शैतान नहीं था, ये काफ़ी सीधा साधा अच्छा सा बच्चा था. हमारे सामने तो बहुत अच्छे से बिहेव करता था, पीछे की कहानियाँ तो बहुत सारी है इसकी. सो मैम आपसे मिलकर बहुत बहुत समय के बाद मिला हूँ मैं, तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे को. तो मैं आपको लगने लगा कि अब मैं स्मार्ट हो गया हूँ. इतना स्मार्ट हम तो कह रहे हैं कि ये हमारा बच्चा कैसे हो सकता है इतना स्मार्ट, क्या सेलिब्रिटी बन के आया है, इतना स्टार चाइल्ड हमारा. थैंक यू मैम. मेरे ना ऐसे हवा से जैकेट उड़ रही है कि मैं पूरी वादियों की फील आ रही है कि जैसे मैं ही शाहरुख खान हूँ. तो मैम आप कुछ अपने स्कूल के बारे में बताइए पहले. हमारे स्कूल के बारे में हमने क्या बताना, आप ही बता सकते हैं जो आप जैसे लोग हमारे स्कूल से निकले हैं. देखिए अभी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता लाइफ में, जो आपका पैशन होता है, जो आपकी ड्रीम्स होती हैं, जो आपकी विजन होती है, उसके पीछे कैसे जाना है, उसमें जो इंड्योरेंस होती है, एक डिटर्मिनेशन होती है, हार्ड वर्क होता है, वो कैसे करके किस मुकाम पे पहुंचते हैं, वो हमारे स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पढ़ाई में अच्छा हो नहीं हो बच्चा, वो इम्पॉर्टेंट है कि बेसिक पढ़ाई होनी चाहिए. मगर आप जैसे लोग हैं, शहनाज है, इतने आगे बढ़ गए हैं अपनी फील्ड में, वो तो बचपन से ही आप लोगों का दोनों का ये नौटंकी में बहुत बहुत ही इंटरेस्ट था. थैंक यू मैम. सो गाइस मैं आपको अपने स्कूल की बातें बताता हूँ. ये स्कूल डलहौजी हिलटॉप स्कूल है. तो जिन्होंने मेरे जैसे बच्चे पैदा किए हुए हैं पेरेंट्स ने, वो यहाँ पे आकर उनको छोड़ दो. हाँ पहले तो ये बात है, जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, एक सीरियस बात करता हूँ मैम अपनी ज़िंदगी में, जो बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है उसको ज़िंदगी में कभी तकलीफ नहीं होती. ये तो वैसे ही है. क्योंकि लोग कहते हैं एक जेल होती है एग्जाम्पल, तो ये मीठी जेल है आपके लिए. जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगा उसको हमेशा अपना बोर्डिंग स्कूल याद रहेगा. चाहे दूसरे स्कूलों में आप लाख पढ़े हो, बट बोर्डिंग स्कूल में एक ऐसा है कि आपको अकेले पे डिपेंड रहना पड़ता है. तो आपको हर एक्टिविटी खुद करनी पड़ती है. और इस स्कूल की खासियत ये है, मेरे जैसा मोटा बंदा आए, मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, मैं मोटा होकर आया हूँ. जब मैं स्कूल में मैं होता था तो मैं बहुत पतला हो गया था, क्योंकि ये डेली 7-7 किलोमीटर भगाते हैं छत्तरों के साथ. हाँ तो बाद में आपको आदत पड़ जाती है, इतनी आदत पड़ जाती है तो एक दिन आप फिट होकर निकलते. तो मैं यहाँ पे बेस्ट एथलीट भी निकला था एक टाइम पे. तो अभी मैं बच्चों के साथ आकर खेला, तो एक राउंड लगाया मैंने बास्केटबॉल ग्राउंड का, तो मैं थक कर मेरे को ऐसा लगा अस्थमा की बीमारी पड़ गई है मुझे. तो मेन इनकी यहाँ पे ये बात है कि एक तो बंदा फिट होता है. स्कूल की खासियत ये है मैम, मेरे हमारे टाइम पे दिस स्कूल वाज द बेस्ट इन स्पोर्ट्स. बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ से निकले हुए हैं. मैं भी बहुत अच्छा था मैं भाई, आप यकीन मानो चाहे ना मानो, मैं पहले लाते जब जंप मारता तो यहाँ पे ले आता था. आई वॉज अ बास्केट बॉलर. तो मैम इतना यही है ना, जो बोर्डिंग स्कूल का यही चीज होती है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम पाल पोस के बड़ा करते हैं. सही बात है. अब सारी स्पोर्ट्स, सारी एक्टिविटीज, थिएटर भी है यहाँ पे, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है,
कैरम है, एक चेस है, बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते रहते हैं। तो बच्चे जो हमारे साथ 24 घंटे आप लोग थे, तो सुबह से रात तक 5:30 बजे सुबह बेल बजती है, 10:30 बजे लाइट्स आउट होती है, उसमें पूरा दिन कुछ ना कुछ, और ना फोन ना मोबाइल ना ये जो नॉनसेंस आजकल चल रही है, जो सारे बच्चे उसी में टाइम बिताते हैं, हम भी अभी कर ही रहे हैं। तो गाइस स्कूल की खासियत ये, आपको पहले तो फोन नहीं मिलेगा बट सुकून जरूर मिलेगा। आप इतने फ्रेश रहोगे, इतना मैम, अभी मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं शहरों में रहता हूँ, कभी बॉम्बे होता हूँ, कभी चंडीगढ़ होता हूँ, तो मेरे को पोल्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स कि जो हमें ख़राब करता है, हमारी सेहतें ख़राब करते हैं, बट यहाँ पे अगर ऐसे लग रहा है कि मैं यही ज़िंदगी में रह लूँ, यहीं पे एक अपना मकान बना लूँ, हाँ जगह दोगे मैम यहाँ पे? क्यों नहीं, एब्सोल्युटली। तो ऐसा इन्वायरमेंट आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तो मैं जो अपने पेरेंट्स हैं, जो मैं आप सबको एक बात बोलता हूँ, एक सीरियस टॉपिक है, वैसे मैं सीरियस होता नहीं हूँ, आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको अपने बच्चों की टेंशन नहीं करनी, देखो हम बोर्ड, हम मैम नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ते हैं, आजकल मैं भी देखता हूँ, मेरे भी कुछ टाइम में बच्चे हो जाएंगे तो मैं भी बोर्डिंग में ही डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैम ये है कि सुबह बच्चों को छोड़ना बस के आसपास, तो बाद में वापस लेकर आना एंड एक्टिविटीज़ करवानी उनकी, उसके बाद हमने ट्यूशन पे छोड़ना, बाद में अपने बच्चे की टेक केयर करनी। तो कई पेरेंट्स बेचारे जो काम करना चाहते हैं, जो डेली कहीं ना कहीं जाते हैं, काम जॉब्स पे जाते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, उन्होंने आई रखी होती है कहीं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बच्चों की टेंशन नहीं करनी, और दूसरों पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहता हूँ, नहीं करनी, तो आप डलहौजी हिलटॉप स्कूल में सच में बच्चा डाल दो। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैम विल टेक केयर, एंड जो हमारा स्टाफ है स्कूल का बहुत अच्छी टेक केयर करेगा, और आप जब बच्चा अपना देखोगे, आई गारंटीड यू, ये मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ, 1 साल 6 महीने बाद जब भी आप अपना बच्चा देखोगे, इतना आपको डिफरेंस दिखेगा, इतना डिफरेंस दिखेगा, एंड ही विल बी और शी विल बी सेल्फ डिपेंडेंट। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स कि यहाँ पे जब आते हैं तो घर का माहौल जो होता है वो घर का माहौल ही होता है। टू कम हियर एंड लिव इंडिपेंडेंटली और इतने सारे लोगों के साथ रहना, कोई यू नो किस घर से आता है, कोई किसी घर से आता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई कहीं यू नो पंजाबी होता है, कोई यू नो इस्लामिक होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, और उनके साथ कैसे मिल के रहना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर भी अपने आप डिपेंडेंट रहना, सुबह सुबह उठ के सारा अपना काम करना, ये जो डिसिप्लिन एक सीखा जाता है वो लाइफ के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बच्चे होते हैं, कभी मॉल में जाना है, कभी किसी बर्थडे पार्टी पर जाना है, डिज़ाइनर क्लोथ्स लेने हैं, डिज़ाइनर शूज़ लेने हैं, यहाँ पर वो सब कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बस छोड़ जाओ उनको, एंड देन ऑल ईयर लॉन्ग विद ऑल देयर एक्टिविटीज़, विद ऑल दी हॉबीज़, विद ऑल दी स्पोर्ट्स, विद ऑल दी एकेडमिक्स, वो सब बहुत, और एकेडमिक्स में तो हमने बहुत सारे अब डिफरेंट प्रोग्राम्स ही शुरू कर दिए हैं। हम अभी नहीं बोलते कि आपने कौन से बच्चे ने कॉमर्स लेनी है कि आर्ट्स लेनी है कि मेडिकल लेना है कि नॉन मेडिकल लेना है, हम ये सोचते हैं कि आगे जाके बच्चे ने क्या करना है। यूपीएससी का बैच है एक हमारा, एक मेडिकल का बैच है, एक डिफेंस सर्विसेज का बैच है, एक फाइन आर्ट्स का बैच है, एक थिएटर का बैच है। भाई देखो इतना कुछ आपको मिल रहा है, ये तो पैकेज ही है। हमारे टाइम पे तो हमको बस आता था इंग्लिश होती है, एक पंजाबी होती है, तो वही हमको तो वही आता है कि ये नहीं समझ आया, वैसे मेरे को इंग्लिश आती है, वैसे मैंने मैम बहुत इंग्लिश, I can speak English, I can walk in English, I can talk in English, I can do anything in English, ma'am. You can dance in English too. Yeah, of course, ma'am. तो मैं देखो गाइस इतनी इंग्लिश बोलता हूँ, आप भी कई बार बोलते हो यार इतनी इंग्लिश शबास मत बोला कर, बिकॉज आई एम वेरी इंटेलिजेंट बॉय बिकॉज ऑफ मैम एंड ड्रोजी हिलटॉप स्कूल। मजाक कर रहा हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय है, मैं तो एक बस पता नहीं कैसे। सीरियसली बोलती हूँ, इंटेलिजेंस और इंग्लिश में कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही चीज़ होती है। आप बहुत इतने हार्ड वर्किंग हो, इतने इंटेलिजेंट हो, इस उम्र में आके तुमने इतना कुछ कमा लिया है, इतनी शोहरत ले ली है, वो कौन कर सकता है? हार्डली एनी चिल्ड्रन कैन डू दैट। मैम वो बिकॉज ऑफ माय सिस्टर शनाज गिल, आपको बताता हूँ, बिकॉज आप सभी मेरे को देखते हो बिकॉज ऑफ माय सिस्टर, और आई एम वेरी प्राउड टू बी हर ब्रदर मैम। एंड वो स्कूल में तो बहुत एक्टिविटीज़ करती थी, आप करवाते थे ये सारा डांस डूंस, एंड आपको पता भी है कि बचपन से कैसे करती है। तो मैम ये मैं बताता हूँ कि उसकी भी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई है, सभी को अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, एंड उसका भी ये
फेवरेट स्कूल है, और उसके बाद जहाँ पे भी हम पढ़े हों कुछ भी हो, मैं सब कुछ साफ बोलता हूँ, आपको पता मुंह पे बोलता हूँ, बट जो मेमोरी आपको डलहौजी हिल टॉप स्कूल में मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। एंड जो इन्वायरमेंट, एंड जो आपको देखो, हम फॉर एग्जांपल मैम आज कल की क्या तंगी आती है कि हम कहीं 10 बंदों में बैठे हो, अगर 10 बंदे कहीं, कोई इटली का है, कोई कहीं का है, मतलब इटली अमेरिका एंड दिस, तो हमें बैठने में ना आजकल क्या होता है, झिझकते हैं हम कि कैसे बात करेंगे। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल नहीं आएगी ज़िंदगी में जो बच्चे यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर कहीं के बच्चे हैं, अमेरिका, इटली एंड ऑस्ट्रेलिया, देखो यहाँ के मेरे 2-3 वीजे रिफ्यूज हुए हैं, वहाँ के भी बच्चे यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आकर यारी यूरी डालकर स्पॉन्सरी मंगवा लो यार, तो आपको इससे बड़ा और क्या मौका मिलेगा। तो मैम ये बहुत, मैं सच में प्राउड, मेरी आंखों से आंसू आ रहा है, पर वो मैंने गूगल लगाई हुई है पर दिखेगा नहीं अभी आपको, तो मैं सच में मैम, और मैं मैम से बहुत टाइम आप मिला हूँ, और मैम ने क्या मेरे को इज्जत बख्शी है भाई, क्या इज्जत बख्शी है, मेरे को जिंदगी में कभी इज्जत नहीं मिली, आपको पता है मेरा नाम ही बेइज्जती है, तो मैम आपने इतनी इज्जत बख्शी मेरा, सच में अब इस आंखों से आ रहा है, हमारे बच्चे हो वापस आए, हमको इतना अच्छा लगता है स्कूल में वापस आए बच्चे आते हैं और इतना कुछ नाम कमा के, ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के बच्चे तो हो ही, बट उससे ज्यादा हमारे बच्चे हो, हमारे साथ रहे, हमारे साथ खेले, मैं 7 साल पढ़ा यहाँ पे, 7 साल मेरी जिंदगी के यहाँ पे, और 26 साल का मैं हूँ, 7 साल यहाँ पे लगा लो, और बाकी मैंने किया ही क्या, इसके बाद मैं जहाँ, इसके बाद मैं पास आउट हुआ यहाँ से, उसके बाद मैं पढ़ा ही नहीं उसके बाद बस यही है कि कभी आइलेट्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो बट आज भगवान ने अच्छा कर दिया, जो भी कर दिया, बट इस स्कूल की ये मेमोरी है ये कि आप डलहौजी हिल टॉप स्कूल में पढ़ोगे एंड आपकी ज़िंदगी अलग हो जाएगी, आई गारंटीड यू, आई 100% गारंटीड यू, क्योंकि मैम देखो बातें करने में बहुत कुछ करते हैं कि हमारे स्कूल में ये है वो है, बट मैं आपको ये भी एक बात बताता हूँ मैम, जब मैं 7 साल पहले की बात करता हूँ, डलहौजी हिल टॉप स्कूल में अभी तक किसी को पता नहीं, स्मार्ट बोर्ड्स जब आए थे वो हमारे स्कूल में सबसे पहले आए थे, और जब स्मार्ट बोर्ड्स आए थे इस एरिया में, हिमाचल में हमारे स्कूल में आए थे, फर्स्ट वाला था क्योंकि मल्टीमीडिया स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब तो हमने डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजीज भी ऐड कर लिए, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया इतना बड़ा है, हम चाहते हैं कि बच्चे सीखें बट अच्छी तरीके से सीखें, ताकि आगे जाके उसको मोनेटाइज करें, उससे करियर्स बनाएं, तो वो भी हम क्लासेस दे रहे हैं, तो उस वक्त स्मार्ट क्लासेस का बहुत था, एक ही टीचर आके लेक्चर दे रहे तो बच्चे तो बोर हो रहे हैं, आजकल तो दे नीड मल्टीमीडिया, तो अभी भी चल रहा है वो हमारा, देखो और क्या चाहिए तुम्हें, कितने छोटे मैम, आप एक बार आप फीस का बताओ इन्हें कि क्या है क्या नहीं है। फीस हमारी जो होती है, हम बहुत ही लिमिटेड फीस रखते हैं, हम ज़्यादा फीस रखते ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें है कि हर जगह के बच्चे आए ताकि हम उनको पढ़ा सकें। फीस हमारी होती है समवेयर बिटवीन 3-4 लाख पर ईयर, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, उनकी सारी एडमिशन्स फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, रहना, खाना पीना और हॉबीज़, एक्टिविटीज़, पढ़ाई, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड रहता है, तो हम उसी में सारा कुछ बच्चों को दे देते हैं। हम हर साल लेके जाते हैं उनको डोमेस्टिक ट्रिप के लिए, इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, वहाँ पे जाने के लिए हम पेरेंट्स को बोलते हैं अच्छा आपने बच्चे को भेजना है, हम दुबई गए हैं, हम अमेरिका गए हैं, हम सिंगापुर गए हैं, हम राजस्थान गए, हम केरला गए हैं, बैंगलोर गए हैं, तो बच्चों को वो जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, पासपोर्ट वैल्यू भी बन जाती है भाई सच में, प्लस टू के बाद खासकर पंजाबी बाहर ही जाना है, यहाँ पे वैसे ही पासपोर्ट वैल्यू बन रही है आपकी, अमेरिका जाने में सीधा ही। हाँ? नहीं वैसे हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी है अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, अमेरिकन स्कूल से, वहाँ से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, हमारे बच्चे भी वहाँ जाके पढ़ते हैं, वहाँ पे कॉलेजेस के लिए हम उनकी एक प्रोफाइल बिल्डिंग भी करते हैं। 4th से 8th में हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं, एस और काइट। काइट इज़ नॉलेज इनिशिएटिव फॉर ट्रांसनेशनल एजुकेशन, तो हम उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, अगर उन्होंने बाहर जाना है तो उनको पहले से पढ़ाई शुरू कर देते हैं उनकी, हम एक्चुअली DHS का एक पासपोर्ट देते हैं उनको, हर कंट्री के बारे में वो जाके रिसर्च करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, सारे स्कूल को प्रेजेंट करते हैं, फिर उनका वीज़ा लग जाता है उसमें, फिर बाकी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो हम करते हैं बच्चों के लिए। आपने पहले क्यों नहीं बताया था, अगर पासपोर्ट मेरे को दे सकते हो मेरे को दे दो, मेरा वीजा लगवा दो, मेरा लग नहीं रहा तब का। आ जाओ फिर से बच्चों क्लास में, तो हम ले लेंगे फिर से स्कूल में। इंटरेस्टिंग बात है, मैं अपने सारे यार दोस्त जिनका वीजा नहीं लग रहा, अभी भी मेरे को कल फोन आया भाई मैं वीजा कंसल्टेंट के पास बैठा हूं, तो डीएचएस का वीजा है, गवर्नमेंट का वीजा नहीं है। हम बच्चे हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, पासपोर्ट तो मिलेगा तुम्हें डीएचएस का। वाह, और क्या चाहिए यार तुम्हें, 3-4 लाख रुपया तो वैसे ही आजकल बच्चे महीने का 1 लाख रुपया खाने में उड़ाते हैं, पिज्जा खा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो आपको मैं ये बोलता हूँ, 3 टाइम का खाना आफ्टर, और भी बहुत कुछ आपको, मतलब अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको, ड्रेसेस इन्होंने देनी, सब कुछ इन्होंने देना, हमें क्या टेंशन है यार। मैम मेरा इतना है, मैं आपसे गारंटी करता हूँ मेरा बच्चा आपके पास ही पढ़ेगा। बस बिल्कुल, आना जरूर लेके आना, ठीक है? अभी हम वेट करेंगे उसकी। मैं पक्का अपना बच्चा इनके पास ही डालूंगा। अभी मेरी बीवी का पेट पता नहीं कहाँ, उसे पहले बता देता हूँ कि बच्चा यही पढ़ना है। बीवी को ढूंढते। सो गाइस, आप हिल टॉप स्कूल में सच में आकर पढ़िए, एंड आगे मैं बताता हूँ आपको क्या होता है क्या नहीं।